दबंग लोगों की दबंगई ने ली एक दलित युवक की जान। बता दें कि कैथल के गांव मुंदरी में बीती रात गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें साहिल नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई और पवन घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ, जिससे एक पक्ष ने गोली चला दी जो 17 वर्षीय साहिल नामक युवक को लगी, जिसे कैथल के सरकारी अस्पताल में लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही पवन नामक युवक भी घायल हुआ जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन मृतक के परिजनों ने पुलिस विभाग को 1 से 2 घंटे का समय दिया है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक ना तो संस्कार होगा और जरूरत पड़ी सड़क भी जाम करेंगे। फिलहाल पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सावना जी, कहाँ से? मुंदड़ी का जी। क्या मामला हुआ था? मामला है जी, मेरी दुकान पे गया था सामान लेने के लिए गाँव में जी, मेरी गाड़ी रुकाई, उन्हें फिर मेरा गाड़ी रुका के उन्हें मेरा मारा। किसने? कौन था? संजू था जी, भाग गएगा जी, उसने मेरे मारा, बाइक भी मेरी तोड़ी। सारा गाँव का ही है? हाँ जी, वही गाँव का ही है, मेरे गाँव का ही है। कितने बजे गई थी आप दुकान? मैं गया था जी 10:30 बजे लगभग जी। क्यों रुकवाया आपको उसने? उसके रुकवाया जी, मैं रुकवाया जी, इतने में के लिए मेरा हमला पकड़ दिया मैंने। क्यों रुका आपको? क्या पुरानी रंजिश है? पुरानी जीत थी जी, वहाँ ऐसी बात थी भाई, अब तक 10 दिन पहले नहीं बोला था मैं, था ना दिवाली नहीं बनाने दूंगा इसलिए। क्यों नहीं बनाने देगा? कि उससे पहले भी कोई झगड़ा? उससे पहले भी इन्हें मारपीट कही थी हमारे साथ। किस मामले को लेकर? इस मामले के लेकर जी, क्यों मैं पकड़ लिया ना, वैसे जब मैं घर आने लगे नहीं, जब मेरा मारे फिर मेरे भाई को पता लगा, मेरे भाइयों को, फिर वे उन्हें फ़ोन किया, फिर धमकी दी फ़ोन पे उसको, उसने इसलिए। फिर तेरे भाई और गए? हाँ, फिर मेरे भाई और गए, उन्हें बुलाए, बुलाए फ़ोन के धमकी दी, फिर वो आए, वो कहना फिर घर आए वापस वे, इतना फिर धमकी दी फ़ोन पे, फिर उसका कहना वहाँ गोली चलाई। अच्छा, जो आपके भाई वो भी वहाँ पहुँच गए थे? हाँ, दोनों पहुँच गए थे। आप घर पे रह लिए? हाँ, मैं घर पे रह लिया था जी। हाँ जी, भाई वहाँ पहुँच गए? हाँ, मेरे दोनों भाई पहुँच गए। आपके भाई यहाँ साथ क्या? मेरे भाई के साथ तो जी, एक का तो गोली मारी। क्या नाम था उसका? साहिल जी, एक का नाम। हाँ जी, साहिल की डेथ हो चुकी है? हाँ, साहिल की डेथ होगी जी। अरे, एक पवन है मेरा बड़ा भाई जी, उसकी भी टांग पर लग रही जी। अच्छा, जो पवन है बड़ा, वो कितने उम्र है उसकी? उसकी जी 23 साल का जी। शादीशुदा? मैंने शादीशुदा जी। अच्छा, जो छोटा है वो किसकी उम्र कितनी है? उसकी 17 साल की जी। पोस्टमार्टम हो चुके हैं? नहीं जी। तो क्या मांगा आपकी? मांगा ये जी, घंटे घंटे 2 घंटे के लिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी और आपसे भी, चाहे तो कुछ लिहाज करो, इसका कार्रवाई करो, इसकी इन्हें फिर हम जाम लगाएंगे, और घंटे का टाइम आपके लिए। राजपाल जी, मृतक के क्या लगते हो? पापा। अच्छा, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला रात लड़ाई कर ली, गोली चला दी ना। कौन थे वो लोग? रोड। अच्छा, कितने लोग थे? 3। अच्छा, क्या मामला था? पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा था? हाँ, पहले भी हुआ था। अच्छा, तो क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा था, क्या मामला था? बस क्या पता भी। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है ये? कोई 11:30-11 बजे की। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? फोन आया था घर पे। अच्छा, क्या आपको बताया गया? मेरा लड़का गोली लगाई, अस्पताल में ले आए। अच्छा, तो क्या मांग आपकी? मैं तो मांग क्या है जी, कानून से इंसाफ चाहिए। मेरा नाम शीशपाल है, मैं दुर्जनपुर से हूँ, और जो मरने वाला साहिल है उसकी सगे मामा का लड़का हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला जी, इनको पहले भी इनके काफी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और अब भी बार बार कर रहे हैं, और रही बात ये कि ये हमारे को शेड्यूल कास्ट के छोटी जाति का समझ के हमारे को कुछ भी नहीं समझते हैं ये, ठीक है। रहने बात, या तो इनकी गिरफ्तारी कराओ, नहीं तो हम पूरा शहर जाम करेंगे, ठीक है। हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कराओ, ठीक है। आप जितना टाइम ले इसको, 1 घंटा 2 घंटा लेना है ले लो, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे, बस हमारा फाइनल डिसीजन ये है, ठीक है। जब ही हम लाश उठाएंगे, जब इनकी गिरफ्तारी होगी। मेरे संजू है जी। क्या मामला है जी? बस मेरे पास सवेरे 5 बजे फ़ोन आया था जी, भी ऐसे ऐसे करके, देखो मेरे को सही बताया नहीं गया कि भाई हम भी बोले भी हम इसका चोट लग गई और हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो मैंने मुंदड़ी आने का बाद पता लग गया कि हाँ भाई उसका गलत इस तरह हो गया, भी रात गाँव के लड़के थे कोई 3-4, उन्होंने गोली चला दी, गोली चलाने के बाद भी हॉस्पिटल में लेने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कुछ पता लग पाया हो क्या मामला था, कौन वो लोग थे, किस क्यों झगड़ा हुआ, क्यों गोली चली? वो पीछे भी झगड़ा हुआ है जी कोई, पीछे भी जो इनका गला हाथ पाई हुई है जी, इससे पहले सावन 9 बजे रस्ते में रोका, मार पिटाई करी और इसकी मोटरसाइकिल पर गंडासी गला, मोटरसाइकिल भी पूरी काट रखी है और इसका डंडे मार रखे उसका। तो अब क्या मांग आप लोगों? बस यही प्रशासन से यही मांग है जी, निष्पक्ष जांच करें, और प्रशासन से और सरकार से,
क्यों सरकार कहती रहती है भी हाँ भी हम हर कास्ट का हर बिरादरी का पूरा मान सम्मान करते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि भी इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए और दोषी को जल्दी से जल्दी अंदर जेल में जाला डाला जाए और उसको उसके किए की सजा दी जाए। सर सौम्य कुमार नाम है मेरा सर। जैसे कि हाँ जी क्या मामला है सर? ये रात फ़ोन आया था भाई के पास कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग वो वापसी घर आ गया था, लेकिन सुबह उसके पास फिर कॉल आया था, तो उससे मैंने भी पता नहीं किया भी क्यों गया भाई घर, क्यों नहीं किसकी ससुराल गया है। तब जब सुबह मामला पता लगा तो यहाँ के पता किया कि भी रात 9 बजे हादसा हुआ था, और रात 9 बजे जो ये भाई का साड़ा इसको गोली मार दी थी कुछ दबंग लोगों ने। दबंग लोगों में देखो दबंगी भी ऐसे दिखा रहे हैं कि एक ऐसी समाज को, एक दलित समाज को बार बार दबाया जा रहा है, जिसे ये लड़के की इन्होंने मर्डर किया है। अपना काम करता था, वो छोटा बिजनेस था उसका, एक फल फ्रूट की दुकान लगाता था। कुछ दिन पहले भी उसकी देखो अपने दुकान बता के घर आ रहा था, तब उसके साथ हाथापाई की थी, बाइक वगैरह तोड़ दी गई थी उसकी। तब भी गाँव वालों से बोला था कि भाई इस मामले को देखो रफा दफा करवाओ भाई, कैसे न कैसे समझौता करवाओ इनका, ये तो ऐसे दबंगी है तो दलित समाज को ऐसे ही दबाते रहेंगे। लेकिन उस टाइम भी किसी लोगों ने ऐसे एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पर, लेकिन फिर भी उनकी बार बार वार्निंग आती रही कि भाई हम लोग आप लोगों को भाई दीपावली नहीं मनाने देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जो धमकी दी थी, वार्निंग दी थी, उस पर वो खड़े उतरे। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है, अगर जैसे कि हादसा 9 बजे हुआ था अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर हम देखें रिच फैमिली से देखें, अमीर लोगों की तरफ देखें, नेताओं के देखें, अगर वो कुत्ता भी खुद जाता है तो 3-4 घंटे में वो उसको तलाश कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो मर्डर हुआ है, एक घर का एक चिराग बुझा है, वो भी दीपावली में जहाँ चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने और प्रशासन ने उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं ली है। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, और जो भी जिस तरह भी जिन लोग हैं जो हादसा किया है उसके अनुसार उनको सजा मिले, और दलित समाज के ऊपर जो ये लोग दबंग लोग अपनी दबंगी दिखा रहे हैं इनके ऊपर रोक लगाई जाए। गोली चलाने वाले कौन है, कहाँ के रहने वाले? ये मुदड़ी गांव के हैं सर, ये रोड जाति से हैं। कोई नाम नोम? सर संजू नाम है जी, पिता का नाम सुनने में आया है भाग सिंह। क्या नाम है? पवन। पवन क्या बात हुई थी? कल मेरे भाई का साथ झगड़ा करे जी, उसका हाथों पा भाई मोटरसाइकिल खड़ दी गंडासी कलूसी लटकर हमारे, ये मेरे दूसरे भाई के साथ इन्हें फ़ोन करके भाई बुलाए तू आ जा बाहर देख लेंगे तने कितना बड़ा गुंडा, तो उसके साथ गोली चला दी उसके ऊपर, 5-6 खैर मारे, 2-4 उसका लग गया, एक मेरा लगी, एक आपको लग रहा उसकी डेथ हो गई है जी। क्या नाम था जिन्हें गोली चलाई है? उसका नाम जिन्हें गोली चलाई है, जिसने गोली चलाई थी उसका नाम संजू। गांव का ही व्यक्ति है? हाँ, गांव को ही मुंदड़ी गई। अच्छा, साथ में कौन था उनके? उसके साथ में उसके दो लड़के थे और एक उसका बाप भी था, वो भी था, कुछ 4-5 जने थे।